हेलो दोस्तों, वेलकम टू लिखो स्टेनो एकेडमी। दोस्तों, अब तक हमने वॉल्यूम वन फिनिश कर ली है कैलाश चंद्र की। अब हमने वॉल्यूम टू स्टार्ट करनी है ट्रांसक्रिप्शन नंबर 23 से। तो अभी मैं पहले आपको आज 23 से लेकर 27 तक की मैं आपको शॉर्ट आउटलाइंस प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो में, और कल मैं आपको वीडियो दूंगा ट्रांसक्रिप्शन नंबर 23 की ऑडियो के साथ, जैसे कि तीन स्पीड अलग अलग स्पीड्स पे हम करते हैं। और इसके अलावा, जैसा कि आपने कहा है कि ग्रामर लॉगर्स के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए, तो ग्रामर लॉगर्स जितने भी हैं पिटमैन के बुक के, वो सभी में एक वीडियो उसकी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और वो मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली कल यानी संडे के दिन मैं आपको वो वीडियो इवनिंग तक प्रोवाइड कर दूँगा। और उसके बाद कल मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको दो वीडियो प्रोवाइड करूँ, सुबह ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसक्रिप्शन नंबर 23 की, और इवनिंग में मैं आपको ग्रामर लॉगर्स प्रोवाइड करूं। और आगे चल के मैं कोशिश करूंगा कि आपको संडे के दिन जैसे फ्रेजोग्राफी या स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस, इसकी भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूं। आपके सजेशंस वगैरह, आपकी रिक्वेस्ट वगैरह मैं कमेंट्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू फेसबुक पे मैं पढ़ता हूं, और आप कोशिश करता हूं कि आपको उसी टाइम रिप्लाई भी करूं। दोस्तों, डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना, आप अपनी कोशिश अच्छे से अच्छे करें, जितना ज़्यादा हो सकें सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। और इस ट्रांसक्रिप्शन नंबर 23 में, जैसा आप देख रहे होंगे, ज़्यादा कुछ खास वर्ड है नहीं इनमें। 5-7 वर्ड जो मेरे को मिले हैं वो मैंने अरेंज किए हैं ट्रांसक्रिप्शन नंबर 23 में। ऐसे ही 24 में 3 वर्ड्स मुझे मिले। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो मैंने लिखा है। आई नो आप सभी लोगों को ये समझ में ज़रूर आ जाएगा, बट हो सकता है कि किसी को कोई डाउट हो कि ये किस तरीके से लिखा है, तो इसके लिए मैं कन्फर्म कर रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। ट्रांसक्रिप्शन नंबर 25 में भी 3 वर्ड्स थे, 26 में 2 वर्ड एंड 27 में लगभग 5 वर्ड्स हैं। सो, इन सभी को आप प्रैक्टिस कर लें। पीछे भी मैंने ये वर्ड्स बताए हैं। मैं वर्ड्स को रिपीट सिर्फ इसी वजह से करता हूँ क्योंकि जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन नई शुरू करें तो आप पहले उन वर्ड्स को देख लें, आपके दिमाग में वो वर्ड्स बैठ जाएँ, ताकि ऐसा ना हो कि आपने ट्रांसक्रिप्शन बहुत पहले की, सपोज़ ट्रांसक्रिप्शन नंबर 11 के शॉर्ट आउटलाइंस अगर इसमें कुछ रिपीट हो रहे हों, और अगर मैंने उन्हें प्रोवाइड नहीं किया और आप उन्हें भूल गए, तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारा इन्हें करने का। सो, इसीलिए मैं दोबारा शॉर्ट आउटलाइंस जो जो मिलती हैं, रिपीट भी हो रही होती हैं, तो मैं वो मेंशन कर देता हूं। सो, अब मैं आपको मुलाकात करूंगा आपसे कल ट्रांसक्रिप्शन नंबर 23 की वीडियो के साथ, अलग अलग स्पीड पे, तीन जो रेगुलरली हमारी क्लास चलती है उससे। और शाम को मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड करने की ग्रामर लॉगर्स की वीडियोस। कल मुलाकात करता हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेनो लिखें, अच्छी स्टेनो लिखें। बाय बाय।